सपोर्ट यूपी वॉरियर्स अभी के लिए। मेरा सबसे फेवरेट है फ्रेंच फ्राइज, मतलब पेरी पेरी मैकडी के। वाह, जब हम वर्ल्ड कप उठा रहे थे, इनफैक्ट उस टाइम पे मैंने अपने कोच को कॉल किया था सबसे पहले। श्वेता कैसी कैप्टन है, लाइक विराट कोहली और लाइक एमएस धोनी? इनका मैं मिक्सचर हूँ दोनों का। विराट कोहली से सबसे ज्यादा सीखने को क्या मिलता है आपको? मुझे उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है गेम को लेके, फाइटिंग स्पिरिट जो है। हाँ जी। फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी डीसी, मुझे डीसी अच्छा, क्योंकि आप यहाँ दिल्ली से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव, और हम मौजूद हैं यहाँ पर पिछले साल के अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर श्वेता शेरावत। जब वर्ल्ड कप सुनती हैं और जब उसके सामने टैग लगा जाता है वर्ल्ड कप विनर, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर, कितना बेहतरीन लम्हा होता है, कितना बेहतरीन एहसास होता है श्वेता? बहुत अच्छा फीलिंग है अपने कंट्री के लिए वर्ल्ड कप लेके आना एंड स्टेज पे परफॉर्म करना, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली। मैं अभी इंट्रो कुछ और देने वाला था। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैंने वर्ल्ड कप का जिक्र किया ना, मैं भूल गया मेरा इंट्रो क्या था। क्योंकि वर्ल्ड कप एक इमोशन होता है। अगर कोई भी क्रिकेट खेलता है, या आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, अगर वो क्रिकेट खेलता है तो मुझे क्या वर्ल्ड कप में जीतना है, वर्ल्ड कप उठाना है, एक बहुत एहसास होता है। जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, एक जो ड्रीम होता है कि भाई इंडिया के लिए, देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, जो एक सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है क्रिकेट स्पोर्ट्स में। अगर आप कोई और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपके लिए होगा कि मुझे ओलंपिक मेडल लेना है। अगर आप किसी जेवलिन थ्रोवर से पूछ रहे हैं तो उसको लगेगा कि मुझे नीरज चोपड़ा बनना है। लेकिन जिस ख्वाब को देख के आप बड़ी हुई थी, आपने उसको हासिल किया है अंडर 19 वर्ल्ड कप में। जिस रात आपने वर्ल्ड कप जीता, फोन पे तो तांते लग गए होंगे कॉल्स के, मैसेजेस के? जी बिल्कुल, काफी सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आए थे मुझे उस टाइम पे जब हम वर्ल्ड कप उठा रहे थे। इनफैक्ट उस टाइम पे मैंने अपने कोच को कॉल किया था सबसे पहले, तो वो सबसे अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि कोच का योगदान भी बड़ा होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोच आपको ग्रूम करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर करियर टू जब आप इंटरनेशनल साइड के लाए जाते हैं, आपको एक्सपोजर भी मिल जाता है, लेकिन वो कोच जो आपको शुरू से आपकी बेसिक्स पे वर्क करते हैं, उनकी अहमियत कितनी है किसी भी क्रिकेटर के लिए श्वेता? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक कोच का, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल टाइम देते हैं। इनफैक्ट सिर्फ ऑन द फील्ड भी नहीं, ऑफ द फील्ड भी वो काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो वैसा एक टाइम मिलना एक पर्सन से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक प्लेयर की लाइफ में। क्रिकेट की बातें, खैर WPL सीजन चल रहा है जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा होगा, मैन ऑफ द मैच भी मिला होगा, वहाँ पे भी क्रिकेट की बातें, बाहर भी आप आ रही हैं, टीम मीटिंग भी, हर जगह क्रिकेट की बातें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा क्रिकेट की बातें ना करें। श्वेता शेरावत यूपी वॉरियर्स की टीम में कैसी बॉन्डिंग है, कैसी खिलाड़ियों के साथ बातचीत है, क्या एटमॉस्फियर है? यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, जैसे अभी डैनी वार्ड बैठी थी यहाँ पे, अली साहिली हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम इंजॉयमेंट भी होता होगा, फन भी होता होगा। हाँ जी बिल्कुल, हम बहुत एंजॉय करते हैं। हमारा टीम रूम है, उसमें हम बहुत सारा प्लेस्टेशन, कैरम, टीटी सब कुछ खेलते हैं। सबसे फेवरेट गेम क्या है आपका? मेरा टीटी। ऊनो खेलती हैं आप? ऊनो, हाँ। मजा आता है ऊनो खेलने में? बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपने ऊनो ट्राई करा है किसी प्लेयर को? अभी तो नहीं, अभी मैं सोच रही थी। अभी आप सोच रही थी? ओके, सो व्हाट्स द वन गेम जो आपके फोन में अभी करेंटली अवेलेबल है, एक मोबाइल फोन गेम? पियानो टाइल्स। वो आपको, मतलब आप पियानो बजाती हैं? नहीं, वो पियानो टाइल्स होता है ना, वो फास्ट खेलते हैं, वो वाला। अगर आप क्रिकेटर ना होती श्वेता, तो आप क्या होती? इंटरेस्टिंग, देखो लगता है मैं बैडमिंटन प्लेयर बन सकती। बैडमिंटन प्लेयर? बैडमिंटन खेलना पसंद है? हाँ मुझे काफी। वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप वॉलीबॉल प्लेयर? वॉलीबॉल प्लेयर। वॉलीबॉल में आपकी पोजीशन क्या थी? आप अगर आपने जब भी खेला स्कूल टाइम में या क्लब के जब भी मैचेस होते हैं, क्या पोजीशन पे खेलती थी? मैंने दोनों में नेशनल्स खेला है, स्कूल नेशनल था। ओके, नेशनल मैट पे क्या पोजीशन थी आपकी, फील्ड पोजीशन क्या थी वॉलीबॉल में? सेंटर। आप रिसीवर थी बेसिकली। स्पाइक मारने का कभी मन नहीं किया, क्योंकि जब वो जंप, वो एड्रेनलिन जब वो रश करता है कि आप एक शॉट लगाने का मन तो करता है सभी को, क्योंकि मतलब अगर मेरा भी जब भी एक्सपोजर रहा है खेलने का, मैं बहुत गंदा वॉलीबॉल खेलता हूँ, लेकिन जब भी मेरा एक्सपोजर रहा है, मेरी कोशिश यही रहती कि मैं नेट पे जाके वो स्पाइक मार नहीं पाता, मैं खुद ही के नेट में लगा लूंगा, लेकिन वो रहता है। लेकिन वो सबके अंदर होता होगा? हाँ वो होता है, मतलब अच्छा लगता है डेफिनेटली कोई फ्लैशी चीज करना फील्ड पे, तो बड़ा मजा आता है। अच्छा श्वेता, हम बात कर रहे हैं IPL की, हमने वर्ल्ड कप से शुरुआत करी, मैंने बताया मैं इंट्रो ही भूल गया जैसे वर्ल्ड कप का नाम आया, लेकिन एक जो किसी खिलाड़ी की बेस को मजबूत करता है डोमेस्टिक क्रिकेट, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की जर्नी के बारे में बताइए हमें। मेरे डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं एंड अभी रिसेंटली जैसे मैं स्टार्टिंग में लोअर ऑर्डर में ही बैटिंग करती थी एंड उसके बाद मेरे को लेटर ऑन ओपनिंग मिला एंड फिर मैंने कॉन्स्टेंटली ओपन ही किया उसके बाद से दिल्ली के लिए एंड अभी रिसेंटली मैंने अंडर 23 में नीचे बैटिंग करी थी तो हाँ काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे रही हैं एंड तो मतलब फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है क्रिकेट में डेफिनेटली जब टीम को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे पोजीशनिंग बेटर है तो वो चीज़ आई थिंक बेटर है टीम के लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप ट्रैवल करते हैं आप और भी खिलाड़ियों से मिलते हैं सीखते हैं आप अलग अलग ग्राउंड्स पे खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत जैसे आपने बताया कि बढ़ जाती है आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखा दिया जाता है कि जब भी टीम को जिस भी पोजीशन पर जरूरत है और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं आपको वहाँ जाना है डिलीवर करना है उसकी मदद जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं या ऐसी लीग्स खेलते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं कितना ज़्यादा उससे हेल्प मिलती है। आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी चीज़ें सिखाता है इनफैक्ट जब हम अपने स्टेट से खेलते हैं तो हम कैप्टेंसी भी करते हैं तो दिल्ली के लिए हाँ जी तो मैंने अंडर 19 और 23 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी आप वाइस कैप्टन थी। हाँ जी तो अंडर 23 में मैं वाइस कैप्टन थी तो एंड एशिया कप जो था उसमें मैं कैप्टन थी तो डेफिनेटली कैप्टनसी भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एज अ प्लेयर ग्रूम होने में तो वो चीज़ें भी हेल्प करती है। श्वेता कैसी कैप्टन है लाइक विराट कोहली और लाइक एम एस धोनी कूल काम कंपोज पीछे से प्लान बना के काम कर जाने वाली या विराट कोहली की तरह अग्रेसिवली ग्राउंड पे अपने आप को पोर्ट्रे करने वाली। आई थिंक मैं मिक्सचर हूँ दोनों का। मिक्सचर है हाँ। कभी कभी काम और कभी कभी एग्रेसिव होना जरूरी है। फेवरेट इंडियन क्रिकेटर मेन एंड वुमेन बोथ। मेन्स में विराट कोहली एंड वुमेन्स में एलिस पेरी। विराट कोहली से सबसे ज्यादा सीखने को क्या मिलता है आपको। मुझे उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है गेम को लेके फाइटिंग स्पिरिट जो हाँ जी जैसे वो कभी भी जैसे उनका भी एक टाइम पे डाउन फेज आया था एंड वो उस चीज से कैसे कमबैक किया क्या ही कमबैक किया वो फिर लाइक जो प्लेयर कमबैक कर जाए वो तो बेस्ट ही है। फिर एलिस पेरी की मेरे को उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। बात हुई होगी WPL में। हाँ जी क्या बात हुई। अभी नहीं अभी ऐसे बात नहीं हुई मेरे को करना है पर मेरा मन है उनसे बात करने का एलिस पेरी से। ठीक है श्वेता हम वुमेन्स क्रिकेट की बात कर रहे हैं हमने सारी चीज़ों की बात करी। WPL पिछले साल इनॉग्रल सेशन था इस साल सीजन 2 है क्रेज़ बढ़ता जा रहा है पिछले बार एक ही मैदान पे सारे मैचेस हुए थे बट इस बार बैंगलोर हुआ हमने देखा बैंगलोर का क्राउड क्या ही बेहतरीन क्राउड था। अब आप दिल्ली आए सेकेंड लेग के लिए आपका होम ग्राउंड भी है दिल्ली क्राउड सपोर्ट कितना अहम है WPL के लिए और वुमेन्स क्रिकेट के लिए ये लीग कितनी अहम है। वुमेन्स क्रिकेट के लिए लीग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब डोमेस्टिक में भी इस बार काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं तो हमारा सीज़न अराउंड सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है एंड अभी WPL के जस्ट स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हुआ था तो एंड अभी भी एक लीग बची हुई है तो डोमेस्टिक क्रिकेट इस बार काफ़ी रेगुलर रहा है हमारा तो हम कॉन्स्टेंटली 4-5 मंथ से बाहर ही हैं तो उसके बाद से फिर हमें WPL में आए तो वो एक रिदम काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं हमारा दिमाग चल रहा है हम स्किल्स पे काम कर रहे हैं तो वो चीज़ हेल्प कर रही है सारे प्लेयर्स को ग्रो होने में तो वैसा मुझे फील होता है। हरमनप्रीत स्मृति जेमिमा मुलाकात हुई इन खिलाड़ियों से। हाँ जी क्या सीखने को मिलता है इनसे। इनका मुझे एज एन जेमी दी से तो मेरे बात भी हुई है थोड़ा थोड़ा तो मैंने उनसे काफ़ी गेम के बारे में बात की है बैटिंग को लेकर स्पेसिफिकली क्या वो अच्छे रेड हॉट फॉर्म में चल भी रही है। हाँ जी तो हमारी काफ़ी पहले भी एक बार NCA के टाइम पे हम मिले थे तब भी बात हुई थी तो उस टाइम पे मैंने यही पूछा था उनसे कि आपका क्या माइंडसेट रहता है लाइक 1 to 6 overs हम वर्ल्ड कप से पहले उनसे मिलके गए थे तो उस टाइम पे मैंने पूछा आपका 1 to 6 कैसा माइंडसेट रहता है तो उन्होंने अपना गेम प्लान बताया है कि वो डिवाइड करके वैसे चलता है। न्यूजीलैंड सीरीज में आपका नाम आया था आपने वो सीरीज खेली भी थी कैसा एक्सपीरियंस था अंडर 19 में। जी तो बहुत अच्छा था कि एज अ कैप्टन अनाउंस होना एंड इतने अच्छी टीम को इतने अच्छे टैलेंट को मतलब लीड करना बहुत मतलब प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। कैप्टनसी पे दबाव होता है श्वेता के ऊपर इतनी कम उम्र में अभी आप अंडर 19 वर्ल्ड कप वाइस कैप्टन के तौर पर जीत के आ रही है शेफाली थी वहाँ पे। हाँ जी बड़ा ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते कभी मुलाकात उनसे उनको बताइएगा जरूर कि आपकी तारीफ आपके ताबड़तोड़ क्रिकेट के बहुत सारे फैंस हैं हम जब आप स्टूडियो से लाइव करते हैं आप लोग के जब मैचेस होते हैं बातचीत होती है तो शेफाली के बड़े सारे फैंस निकल के आते हैं जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं और आपकी जो बल्लेबाजी है आपका जो खेल प्रदर्शन रहता है आपकी बड़ी तारीफ होती है कि जिस तरीके से अभी युवा दौर से आप गुजर रहे हैं जैसे जैसे मैच्योरिटी आपके अंदर आती जा रही है जैसे जैसे गेम चेंज पड़ता जा रहा है जिसमें भी आपको एक्सपीरियंस मिलते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको और आगे बढ़ा रहा है। और हम सभी चाहते हैं, जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, कि श्वेता शेरावत को, हम इंडियन टीम को भी आगे लीड करते हुए देखें, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप वाइस कैप्टन के तौर पर जीता, डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टनसी की जिम्मेवारी संभाल रही है, बेहतर तरीके से संभाल रही है। दबाव होता है कप्तानी का? कभी कभी लगता है, पर मेरे को इंजॉय करती हूँ मैं कैप्टेंसी। अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मुझे अच्छा लगता है वो प्रेशर में खेलना, एंड काफी अच्छा लगता है। श्वेता शेरावत का फेवरेट फास्ट फूड क्या है? हालांकि एथलीट से फास्ट फूड की बात करना कहने के उनके अंदर एक टेम्पटेशन जगा देना है, अब तो खाने का मन कर गया यार। लेकिन थोड़ी सी डाइट वगैरह, डाइट कॉन्शियस, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन हाँ, चीट डे पे क्या वो एक चीज है जो श्वेता आज तो ये खाना है? जैसे डैनी ने कहा चिकन टिक्का मसाला, मैं इंग्लैंड में रहती हूँ फिर भी खाती हूँ। मेरा सबसे फेवरेट है फ्रेंच फ्राइज, मतलब पेरी पेरी मैकडी के, वाह, बस वो मिल जाने चाहिए बस। एंड गोलगप्पे, पानीपुरी आपको पसंद है? आप पानीपुरी कहती हैं या गोलगप्पे कहती हैं? हम गोलगप्पे कहते हैं। गोलगप्पे कहती हैं, ओके। मुंबई में होता है पानीपुरी? जी, मुंबई में पानीपुरी होता है, बाकी अब दिल्ली तो दिल्ली की मोमोज नहीं पसंद आपको? नहीं, मेरे को मोमोज अच्छे नहीं। पानीपुरी मतलब गोलगप्पे? पर मोमोज बहुत फेमस है दिल्ली के, बहुत फेमस, सब खाते हैं। छोले भटूरे देख लीजिए, छोले कुलचे। आपके इंस्पिरेशन विराट कोहली, कितने पसंद? आईपीएल की बात करें, मेंस आईपीएल की फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी डीसी। क्यों? मुझे लगा आरसीबी। विराट कोहली तो आरसीबी के लिए खेलते हैं। पर मुझे डीसी अच्छे, क्योंकि आप यहाँ से, दिल्ली से। ओके, श्वेता, मैं आने से पहले मैंने तो ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये जाएंगे, आराम से बात करेंगे, क्योंकि बहुत क्रिकेट प्लेयर भी कहीं ना कहीं लगता है यार दिन भर क्रिकेट, थोड़ा हमें भी फन चाहिए। मैंने बस एक चीज पढ़ी कि क्लास 12 का एग्जाम था और एनसीए में कुछ चीज चल रही थी। पूरा वाकया बताइए कि आपने वो जो लेटर लिखा था एनसीए चीफ उस बीवीएस लक्ष्मण सर को, क्या हुआ था उस वक्त, क्या चीज थी वो सारी? उस टाइम पे एक्चुअली मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे, जब एनसीए का हमारा एक कैंप था, वो क्लैश हो रहा था, तो मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया था, पर मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। तो हमने उस टाइम पे लक्ष्मण सर को लिखा लेटर इस बारे में कि मैं थोड़ा कैंप लेट ज्वाइन कर सकती हूँ, लाइक लास्ट के 7 days या फिर 6 days। तो क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मन था कि मैं एटलीस्ट जाऊँ तो वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके आऊँ कि कैसा होता है। सिलेक्शन होना ना होना बाद की बात है। तो उस लास्ट वीक में हमारे 2 matches हुए थे, तो उसमें मैंने परफॉर्म कर दिया था। उससे पहले मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि जब मैं पहुँची थी तो मेरे 2 दिन मेरे टेस्ट हुए, हमारे ब्लड टेस्ट एंड सैम्पल वगैरह लेते हैं, तो वो टेस्ट हुए थे। उसके बाद लिस्ट निकल गई थी, तो मेरे को मतलब देखा भी नहीं था उस टाइम पे किसी ने कि मैं कैसा खेलती है और क्या है। तो मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि यार देखा भी नहीं और ऐसे लिस्ट निकाल दी। तो उसके बाद फिर 2 matches हुए थे, तो मैं फुल ऐसे फ्रस्ट्रेशन में तो मैं खेल रही थी। तो मैंने फर्स्ट मैच में मारे थे 28 balls 36 runs। आज भी स्कोर याद है? क्योंकि वो स्पेशल होता है। हाँ, वो मतलब काफी टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली मेरे लिए, वो वर्ल्ड कप की जर्नी स्टार्ट करने में। तो एंड उसके बाद फिर मैंने सेकंड मैच हुआ था हमारा उसके बाद ही, तो उसमें 100 करी थी हमने। 25 ओवर्स में ही आई गेस 160-70 चेस कर दिए थे, और फिर वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई। हाँ, उसके बाद मेरा नाम आया लिस्ट में, फिर उस दिन मैं काफी ज्यादा खुश थी। बैक टू फैमिली, श्वेता, जब परिवार वालों से बातचीत कभी जब घर में बैठ के होती है तो एक बात होती होगी ना कि फैमिली सपोर्ट कितनी होती है। घर वालों का बड़ा सेक्रीफाइस होता है, किसी भी खिलाड़ी, किसी भी स्पोर्ट, बी एनी स्पोर्ट, घर वाले जब तक पीछे से सपोर्ट नहीं देते शायद खिलाड़ी के जितना बेहतर होता नहीं है। घर का सपोर्ट कैसा रहा है, और आप जब घर जाती हैं वो पेरेंट्स की जब चेहरे पर वो खुशी दिखती है, वो गर्व दिखता है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे फैमिली से मिलने जाते हैं घर पे, तो हमेशा एक हैप्पी फीलिंग आता है, एक बहुत अच्छा वाइब आता है कि हाँ मतलब है हमारे जो सोच रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि हम हमेशा लाइक अप्स एंड डाउन है, कुछ भी है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है एक प्लेयर के लिए या किसी के लिए भी, इनफैक्ट उनके फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया में आपके फेवरेट ग्राउंड की बात करें, किस ग्राउंड पे खेलने का मन करता है कि बस यही क्रिकेट खेलना है, सबसे बेहतरीन ग्राउंड है? मुझे एक्चुअली बैंगलोर में बहुत अच्छा लगता है। बैंगलोर? हाँ जी, अच्छा ग्राउंड। अलूर और वहाँ पे जो विकेट्स हैं, अलूर का चिन्नास्वामी भी इनफैक्ट मैंने इस बार फर्स्ट टाइम खेला, तो बहुत अच्छा विकेट था। धर्मशाला में खेला आपने? नहीं, वहाँ नहीं खेला। बहुत शानदार ग्राउंड है। कभी धर्मशाला गई आप? नहीं, मेरा मन है, बकेट लिस्ट में होगा। है, जरूर है, जरूर। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप था? हाँ जी, वहाँ पे तो बड़ा अच्छा सा तस्वीरें भी अच्छी आती हैं, ग्राउंड बड़ा खूबसूरत है और पहाड़ों के बीच में है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था क्योंकि मतलब वहाँ पे भी विकेट्स काफी अच्छे थे, लेकिन इंडिया के कंपैरेटिव आई गेस वहाँ पे ज्यादा बाउंसी विकेट्स हैं जैसा मेरे को फील हुआ जब मैंने वहाँ पे खेला। तो वैसे कहा जाता है साउथ अफ्रीका किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल दौरा होता है अगर वो युवा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, जब भी आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपकी युवा टीम वर्ल्ड कप खेलने पहुंची है वहाँ पर, बिल्कुल आपने प्रैक्टिस मैचेस खेले होंगे, बहुत सारी चीजें करी होंगी, प्रैक्टिस करा होगा, उस हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर किया होगा, बट एट द एंड जो एक मैच गेम होता है, जो मैच प्रेशर होता है वो अलग होता है। कैसे उन तैयारियों से आपने वो तैयारियां की, कैसे उन सिचुएशंस पर अपने आपको एडजस्ट किया इन रिस्पेक्ट टू साउथ अफ्रीकन कंडीशंस? हम एक्चुअली बहुत टाइम से मैचेस लाइक कॉन्स्टेंटली खेल रहे थे, जब से एनसीए का मैंने आपको बताया जैसे स्टार्ट हुआ हम तब से ही कॉन्स्टेंटली मैचेस खेल रहे, कैंप्स कर रहे थे, तो हम काफी एक दूसरे का हमारा बॉन्डिंग तो अच्छा था ही। एंड साउथ अफ्रीका जाके भी हम लोगों ने 5 मैच की सीरीज खेली थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की, पर वो विकेट बहुत डिफरेंट था हमारे एक्चुअल मैच के विकेट से। हमने जो प्रैक्टिस गेम्स खेले वो विकेट बहुत ज्यादा ग्रासी था, उसमें इतनी मोटी मोटी ग्रास थी तो बॉल कट हो रहा था, तो उस टाइम पे इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए थे हमारे, लाइक 120 130 ऐसे ही हो रहे थे, बट क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा इधर उधर कर रहा था तो दिक्कत हो रहा था उसपे खेलने में। वहाँ विकेट बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहे हैं, यहाँ हमारे बाल बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है। खैर कुछ नहीं कर सकते, लंबे बाल रखे आपने। आज ये पता चल रहा है कि लंबे बाल नहीं रखने चाहिए थे, बट ठीक है। श्वेता, अगर हम साउथ अफ्रीका ने अपने अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात करी, सारी चीज़ों की बात करी, इंडियन टीम की कैप मिलना, अभी मेन टीम में कैप कहीं ना कहीं सपना होगा। जी बिल्कुल। सोचती हैं कभी जब खाली आदमी खाली बैठता है तो बहुत सारी चीज़ें खुद में एनालाइज करता है, लगता है कि इंडियन टीम की कैप क्या? बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मतलब खुद भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो चीज़ें दिख रही होती है सामने की हमें मिल रही है, तो बहुत अच्छा फीलिंग है कि, और जब मिलेगी तो तब तो पता नहीं कैसा ही लगेगा, तब तो एकदम ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाएगी। और कहीं ना कहीं परिवार के लिए बहुत भावुक पल भी, क्योंकि उनके जो सैक्रिफाइस हैं, आपकी जो हार्ड वर्क है, एक बहुत स्पेशल फीलिंग होती है, और कहीं ना कहीं एक दबाव भी होता है कि आपका डेब्यू मैच है, आपने पीछे जो भी किया है वो सब कुछ तो है जो आपको यहाँ लेके आया है, बट अब यहाँ से एक नई आपको कहानी लिखनी है, एक नई स्टोरी, एक नया चैप्टर एड ऑन हो रहा है, तो माइंडसेट से प्रिपेयर हैं आप उस चीज के लिए? बिल्कुल, मैं तो एवर रेडी, जब भी चांस मिले टीम के लिए बेस्ट करना है, बस सिंपल। बिल्कुल। फेवरेट क्रिकेटर वर्ल्ड का अगर मैं पूछूं आपसे, मेन और वोमेन, वोमेन तो आपने बताया एलिस पेरी आपकी हैं, मेन? कोहली, विराट कोहली। अगर इंडियन क्रिकेटर्स को हटा दें तो फिर? इंडियन क्रिकेटर्स को हटाना है जिस तरीके की आपकी बल्लेबाजी स्टाइल है, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं। देखो ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, बड़े सारे दिग्गज नाम हैं, पर बेन स्टोक्स हैं, मैक्सवेल, फिर तो मैक्सवेल। हाँ जी, उनकी रिवर्स हिट कभी ट्राई करी है आपने? हाँ, मुश्किल होती है, डिफिकल्ट है। आज सुबह मेरा भी एक मैच मैं बोल हो गया, रिवर्स स्विच बहुत मुश्किल होती है। आपका फेवरेट शॉट क्या है? अगर आपका एक जो आपको कहे कि ये शॉट, मतलब ये कुछ प्लेयर्स का होता है कि कवर ड्राइव होती है, कुछ प्लेयर का होता है पुल शॉट होता है, फेवरेट शॉट श्वेता का? को हम सामने छक्का मारना अच्छा लगता है, एकदम स्क्रीन पे, एकदम सामने, और वो सबसे सेफ एरिया भी होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए हिट ऑन करना, कि वहाँ पे कोई फील्डर नहीं, आप आसानी से, बस टाइमिंग, लेकिन आपको बहुत जबरदस्त एकदम मारते ही क्लास वाला फील आ जाता है। डीडीसीए में तो बहुत मारे होंगे, दिल्ली ग्राउंड में, अरुण जेटली स्टेडियम में काफी खेला है, काफी वहाँ पे तो खेला है। अच्छा, डीडीसीए दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, हमने डोमेस्टिक की भी बात करी, हम अंडर-19 वर्ल्ड कप के प्रोस्पेक्टस पे आए, WPL पे भी आए। श्वेता, अब जब आपने अंडर-19 वर्ल्ड कप एज अ वाइस कैप्टन आपकी टीम ने जीता है, आपके पास वो ट्रॉफी भी है कैबिनेट में, इंडियन टीम अगर मेन टीम की बात करें तो शायद ICC ट्रॉफीज का सूखा यहाँ पे भी लगा पड़ा है, हमारे साथ उतना नहीं है, आपका साथ देने के लिए शेफाली हैं, बहुत सारे खिलाड़ी आपके साथ जो अभी खेल रही होंगी वो आपका साथ देंगी, नेशनल टीम में भी आगे चल के, या जिनके साथ आपने खेला है, चाहे WPL में आपने वो ड्रेसिंग रूम साझा किया है, चाहे ग्राउंड साझा किया है, एक जब कोलैबोरेशन में आप सभी खिलाड़ी मिलते हैं, आपको क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपने बताया कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों को सीखने को मिलता है, लिसा हेली बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी, डैनी आपके पास है, यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, क्या कुछ सीखने को मिलता है जो आपके से एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और जो आपके साथी खिलाड़ी हैं जो अलग अलग लेवल पर आपके साथ खेल रहे हैं, इन दोनों से? आई थिंक सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब जो मैंने सीखा है अभी तक WPL में कि मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप पे हार्ड नहीं होना, लाइक टेक इट इजी, कोई बात नहीं, एक मैच में नहीं हुआ, दो में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कम बैक करना सीखना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है एंड सब लोग मतलब प्रेशर नहीं डालते कभी भी, वो हमेशा ईजी रखते हैं माहौल की, कोई बात नहीं नेक्स्ट में करेंगे। तो हमेशा वो पॉजिटिविटी मेंटेन रखना हमें ईजी नहीं होता, तो वो चीज़ मैंने सीखी है उनसे। चलिए श्वेता, एक आखिरी आप हमारे फैंस को, जितने भी आपके फैंस हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, उनको श्वेता क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि अब क्या पता अंडर 19 वर्ल्ड कप हमारे कैबिनेट में है, श्वेता आगे चल के हमें वर्ल्ड कप भी जिताए मेन टीम के साथ, बहुत सारी अभी तो इतिहास लिखना बाकी है। अपने फैंस के लिए एक मैसेज। सपोर्ट यूपी वॉरियर्स अभी के लिए अभी के लिए यूपी वॉरियर्स, उसके बाद तो इंडियन टीम अपनी है, टीम इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू।